ना माइक और वो ऑन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा कई बार जल्दी हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पूरे फिजिक्स में हम लोग उज्ज्वल तेरा तो काफी ग्रेविटेशनल फील्ड रिपीट हो जाएगा, तो रिवीजन टाइप का हो जाएगा। हाँ, पूरे फिजिक्स में हम लोग एक्चुअल में तीन फील्ड पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ग्रेविटेशन फील्ड, इसको हम लोग जी एफ कह देंगे हम, लेकिन ये ग्रेविटेशन फील्ड है, कुछ दूसरी चीज मत समझना इसका मतलब। हाँ, और एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम बड़े शरारती हो ना, क्योंकि इसको हम ई एफ कह देंगे। और एक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ के तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि पूरी फिजिक्स में हम तीन फील्ड पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब चलते हैं दूसरी बात। यहां पे मैं लिखूंगा नेम ऑफ फील्ड, यहां पे लिखूंगा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, कॉस्ट बाई, और यहां पे लिखूंगा उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो फिर वो मास या सिस्टम ऑफ मासेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लो इस कमरे में मैं एक मास रख दूं या सिस्टम ऑफ मास रख दूं, तो इस कमरे में एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि दूसरे मास पे एक फोर्स लगेगा बेटा, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मास। समझ में आ रहा? बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड मास या सिस्टम ऑफ मास की वजह से प्रोड्यूस होता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है कि दूसरे मास पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे मैंने बताया कि इस कमरे में अगर मैं एक मास या सिस्टम ऑफ मास रख दूं, तो मेरे कमरे में एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर किसी भी दूसरे मास पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसका क्या इफेक्ट होगा कि दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, नहीं है? उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। और लास्ट में आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड करंट या सिस्टम ऑफ करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है।
और अगर मैं इसका इफेक्ट देखूंगा तो ये क्या होगा, दूसरी करंट पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर करंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर करंट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, पूरी फिजिक्स में हम तीन फील्ड पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मास या सिस्टम ऑफ मासेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और उसका तुम्हें क्या इफेक्ट दिखाई देगा कि दूसरे मास या सिस्टम ऑफ मास पे एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, और उसका तुम्हें इफेक्ट क्या दिखाई देगा कि दूसरे चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने तुमसे कहा कि करंट या सिस्टम ऑफ करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, और उसका तुम्हें क्या इफेक्ट दिखाई देगा कि दूसरी करंट या सिस्टम ऑफ करंट पे क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है उज्जवल बेटा? ये बता, यहां तक पॉइंट क्लियर है? ये हो गया। अब मैं इस पे फोकस करूंगा केवल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे फोकस करेंगे। तीसरी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर मान लो मैंने यहां पे क्यू चार्ज रखा, तो इसके चारों ओर स्पीड ऑफ लाइट से, एकदम से फ्रॉम स्पीड ऑफ लाइट, एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट हो गया, इनविजिबल स्पेस क्रिएट हो गया जो तुम्हें दिख नहीं रहा, और ये अल्टीमेटली कहां तक एक्सटेंड करेगा, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। और मैंने तुमसे कहा कि इसका क्या इंपैक्ट होगा कि अगर मान लो मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज ले आऊं, तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा, नहीं है, इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी टेस्ट चार्ज को जब आप इस फील्ड में कहीं मूव करवाओगे, तो फिर इस फोर्स का कुछ वर्क भी होगा, क्यों ये कह लो, एक बार दोबारा सुन लो। जैसे तुमने एक चार्ज रखा इस कमरे में, मान लो एक चार्ज रखा, तो एकदम से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगा, एक इनविजिबल स्पेस क्रिएट हो जाएगा जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। और क्या होगा उस फील्ड में, क्या होगा बेटा, जो इनविजिबल स्पेस क्रिएट हुआ उसमें क्या होगा कि अगर तुम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आओगे, तो फिर वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब तुम टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाओगे, तो फिर वही फोर्स क्या करेगा, वर्क भी करेगा। तो ये जो तुम्हें इनविजिबल स्पेस दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। और इसको वैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक इंग्लिश का वर्ड होता है ऑरा बेटा, जो है ऑरा ऑफ कैपिटल क्यू, और हिंदी में उसका सबसे बढ़िया मतलब होता है आभा मंडल, आभा मंडल। ये कह लो, मतलब ये जो स्पेस तुम्हें दिख रहा है, ये कैपिटल क्यू का क्या हो गया बेटा, जो है ये कैपिटल क्यू का एक ऑरा हो गया, बस हो गया, जो है जिसमें दूसरा टेस्ट चार्ज अगर लेके आ रहे हो तो वो एक फोर्स पे एक्सपीरियंस कर रहा है। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
ये तो इनविजिबल होता है, तो दिखेगा तो है नहीं बेटा जो है। तो इसको फील करने के लिए एक टेस्ट चार्ज चाहिए होगा ना, एक टेस्ट चार्ज इज रिक्वायर्ड। नहीं है, जब आप उस टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहला मेरा तो क्वेश्चन होगा यार ये प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से। मैंने तो बहुत सफाई वफाई करवाई थी पूरे कमरे की, जो है अच्छे तरीके से चूना पेंट वगैरह सब कुछ करवाया था, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया। नहीं है, मैं ये कहूंगा कि फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया। तुम कहोगे अरे सर कहीं कोने वोने में, कोने कोने में देखो कहीं चार छुपा बैठा होगा जो है। नहीं है, कोई चूहे की तरह कोई चार छुपा बैठा होगा बेटा जो है। इसका मतलब उस चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब फिर मेरा अगला क्वेश्चन होगा यार ये दिख तो रहा नहीं है जो है, ठीक है ना, दिख तो रहा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है। तो तुम कहोगे सर दूसरे किसी चार्ज को लेके आओ, टेस्ट चार्ज को लेके आओ, अगर उस पर फोर्स लगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर उस पर फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये समझना मेरे ख्याल से जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस इनविजिबल होता है तो उसको फील करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक टेस्ट चार्ज चाहिए होता है। अब चलते हैं पांचवी बात, अब जो भी आप टेस्ट चार्ज लेके आए हो ये काफी छोटा होना चाहिए बेटा जो है, वेरी स्मॉल, मतलब ऐसे कह सकते हो इट शुड बी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर टेस्ट चार्ज तुमने बड़ा ले लिया तो फिर वो अपना एक फील्ड क्रिएट कर देगा, ऑरा क्रिएट कर देगा, और फिर वो जो ओरिजिनल फील्ड था उसको क्या कर देगा बेटा जो है, उसको डिस्टर्ब कर देगा, फिर तुम सही ढंग से उसको मेजर नहीं कर पाओगे जो है, समझे ना। बिकॉज इफ टेस्ट चार्ज इज बिग, टेस्ट चार्ज इज लार्ज, देन इट विल क्रिएट its own field. And this field will disturb the original field. The original field to be measured. जोशी समझ में आई बात, कि अगर तुम्हें कहीं पे चेक करना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम्हें एक टेस्ट चार्ज को लेके आना पड़ेगा, अगर उस पर कोई फोर्स लगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो टेस्ट चार्ज अपने आप में बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने बड़ा टेस्ट चार्ज ले लिया तो फिर वो अपना एक फील्ड क्रिएट कर देगा, और उससे जो ओरिजिनल फील्ड तुम मेजर करने जा रहे हो बेटा जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात जोशी तेरे को और बताऊंगा, कि मैं बीच बीच में ना जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं उसके वीडियो और डाल रहा हूँ, तुमने देखा होगा यूट्यूब में रेनबो हो गए जैसे, नहीं है उस टाइप के, तू देखना जो है, हाँ उसको जरूर देख लेना, वो मैंने नीचे लिखा जरूर है फॉर क्यूरियोसिटी, बट वो तुम्हारे नीट वगैरह में कई कॉम्पिटिशन्स में वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे कभी कभी, उसको एक बार देख लेना बेटा, जितने भी मैंने उस टाइप के वीडियोज डाले हैं
उनको भी एक बार जरूर देख लेना जो है फिगर के थ्रू। नहीं 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 वो तुम्हारे लिए भी आएंगे जो है, तुम्हारे लिए भी आगे काम आने हैं वो जो है। हाँ कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें कंपटीशन में तो आएंगे ही आएंगे ना, उनको भी जरूर देख लेना। वो जो छोटे छोटे डाले हैं बेटा जो है उनको जरूर देख लेना, वो जो है जानबूझ के डाले हुए मैंने जो है। हाँ वो जानबूझ के मैंने वैसे भी इसलिए बनाया कि एक बार मैं बना दूंगा तो अगली बार से वो लिंक दे दूंगा ना, मैं सीधे सीधे बच्चों को लिंक दे दिया करूंगा कि ये भी देख लेना, उसमें से बस जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं वो देख लेना। हाँ वो समझ गया, 12 साल के रहते हैं जो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ वो देख लेना उसको। ये अब करते हैं 6 पॉइंट। अब ये और जो मैंने वर्ड लिखा है इसको थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। एक चार्ज का और हो गया और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, एक मास का और हो गया इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड कह दिया, एक करंट का ऑरा हो गया इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड कह दिया। लेकिन अगर तुम रियल लाइफ से कंपेयर करोगे तो रियल लाइफ में भी कुछ ऑरा होते हैं बेटा जो है, नहीं है रियल लाइफ में भी अगर तुम देखोगे तो उसमें भी कुछ ऑरा होते हैं। जैसे धर्मेंद्र है बेटा जो है, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ठीक है उसका बड़ा फेमस डायलॉग होता था अपने टाइम पे। धर्मेंद्र इसका भी अपना ऑरा होता है, नहीं है इसी टाइप से कोई टीचर है मान लो, या फिर कोई ऑथर है, बात घूम फिर के वही आ जाएगी अपने पे तो आई जाएगी बेटा जो है। कोई भी टीचर है या ऑथर है उसका भी अपना एक ऑरा होता है ना। नहीं है उसका भी तो अपना फील्ड होता है। अब उस ऑरा का यहाँ पे नाम नहीं है, बस ये कह सकते हो उस ऑरा का यहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ है। अब एक सिंपल सी बात देखो कि क्या होगा जो है, जैसे मान लो मैं तुमसे ये कह दूं धर्मेंद्र का ऑरा बता दूं, वैसे तुम तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे, अपने पेरेंट्स से पूछना बेटा जो है, ठीक है अपने पेरेंट्स को बैठा लेना तुम बगल में। अगर मान लो मैं कह दूं कि तुम यार मेरे सामने ना धर्मेंद्र बैठा हुआ है जो है, ठीक है मेरे सामने धर्मेंद्र बैठा हुआ है जो है, तो तुम पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा वही होगा कि अरे वो कौन धर्मेंद्र जो आपके नीचे रहता है जो है, पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यही होगा सर जो आपके नीचे रहता है। मैं कहूंगा नहीं नहीं अरे वो धर्मेंद्र जो पिक्चरों में आता था, हेमा मालिनी का हस्बैंड, सनी देओल का पिताजी, समझ गया ना। तब मैं कहूंगा तो तुम्हें एकदम से फील होगा अरे यार ये सामने बैठे हुए, जरा मैं भी देख लेता सर। तुम कहोगे ना सर थोड़ा सा उधर कैमरा उधर कर दो, मेरे को भी वो धर्मेंद्र की फोटो दिखा दो बेटा जो है, नहीं है बताओ जो है। तो एक तरीके से क्या हुआ उसका क्या हो गया बता जो है, उसका भी अपना क्या हो गया एक औरा हो गया कह रहे हो, ये कह रहे हो जो है। और इसी टाइप से मैंने तुमसे कहा टीचर या फिर ऑथर का भी एक औरा होता है, नहीं है कि अगर पुराने जमाने में मान लो प्रेमचंद और ये होते थे, ठीक है कोई कहता मैं तुमसे कहता कि देखो प्रेमचंद जा रहा है बेटा जो है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें क्या होता उस तब भी तुम्हें एक फोर्स लगता, नहीं है मतलब जो है तब भी तुम्हें क्या होता है फोर्स लगता, ये कह लो। तो ऑरा से ना आजकल भी है और क्या जो है, आजकल भी कई ऑथर हैं जो है आते हैं, जैसे डीसी पांडे एक है ऐसी किताब लिख देता है जो है, नहीं है डीसी पांडे किताब लिख देता है। हाँ तो अगर कोई कहे कि डीसी पांडे जा रहा है जो है तो थोड़ा बहुत बच्चों पर लग ही जाएगा कि देख लेते हैं चलो यार डीसी पांडे कौन है जो है जिसने इतनी फालतू की किताबें लिखी है ना, नहीं है बता जो है, तो ये हो जाएगा कौन सी फालतू की किताब लिखे, तो ये कह लो। तो मेरे ख्याल से ऑरा समझ में आ गया, वो ऑरा क्या चीज होती है। चार्ज का एक ऑरा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मास का एक ऑरा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, करंट का एक ऑरा होता है जिसको हम हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। धर्मेंद्र के ऑरा को और ऑथर के ऑरा को नाम नहीं दिया हुआ लेकिन समझ में आ गया होगा कि उनका भी अपना क्या होता है ऑरा होता है। अब चलते हैं 7 पॉइंट।
मान लो तुमने यहां पे क्यू चार्ज रखा, तो इमीडिएटली स्पीड ऑफ लाइट से इसका एक ऑरा क्रिएट हो गया जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। लेकिन अब मान लो ये कोई एक पी पॉइंट है और यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। वी वॉन्ट टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली। पहले तो ये बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली डिफाइन करने का मतलब क्या है। अब जैसे मैं तेरे को मान ले फोर्स बता रहा हूं, तो एक तो यह मैंने तेरे बाल खींचे ना और ऐसे किया बेटा जम के जो है, तो मैंने कहा देख बेटा ये जो है ये फोर्स है जो है। तेरे समझ में आ गया एकदम से? सर सर छोड़ो, समझ में आ गया फोर्स, समझ में आ गया। अब मुझे मैथमेटिकली बताओ फोर्स क्या चीज होती है, ठीक है ना। तुमने मेरे से कहा कि मैथमेटिकली बताओ कि फोर्स क्या चीज होती है, तो फिर मैं तेरे को बताऊंगा देख एफ इक्वल टू एम ए ये फोर्स होता है, या फिर एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये फोर्स होता है। तो ये वाली बात कह रहा हूं जो है, तो ये तुम्हें ऑरा वगैरह तो समझ में आ गया कि उसका एक ऑरा क्रिएट हुआ, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैथमेटिकली बताओ कि मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिर हम दो फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, ये ध्यान रखना। वी डिफाइन बाय टू फिजिकल क्वांटिटीज, एक वेक्टर है और दूसरी हम स्केलर उससे डिपेंड करेंगे। वेक्टर को हम ई से दिखाते हैं और स्केलर को हम वी से दिखाते हैं, और इस ई के कई सारे नाम होते हैं, कई बार हम इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऑरा हुआ बेटा जो है, लेकिन मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो ई वेक्टर हो गया जो है, ये कह लो। और यह इसको हम फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, और यह इसको हम कई बार बोल देते हैं फील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो इसके तीन नाम होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वैसे तो ऑरा को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली मैं कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई वेक्टर हो गया, और उसको हम फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब चलते हैं एर्थ पॉइंट पे। अब टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस फोर्स से रिलेटेड जो क्वांटिटी होगी उसको हम ई कहेंगे। मतलब रिलेटेड टू फोर्स ये कह लो।
आर्थिक समझ में आ गया होगा कि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा था दैट वाज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उस वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड जो मैं क्वांटिटी डिफाइन करूंगा उसी को आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। और इस ई की जो एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर होगी। ये टाइम के साथ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसी यूनिट क्यों होगी, न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर। और आगे से तुम लोग एक चीज का और ध्यान रखना कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट देख के भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यार ये क्या क्वांटिटी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे न्यूटन पर कूलॉम को देखूं तो मुझे कुछ ऐसा फील आ रहा है जैसे ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इस टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात बेटा? जो है कई सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसकी यूनिट देख के भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है यार ये कौन सी क्वांटिटी होगी। जैसे न्यूटन पर कूलॉम को देख के हमारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है बताओ? जो है इसका मतलब ये जो बनेगा ये बनेगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इस टाइप की बनेगी, ये कहते हैं। ये आ गया, अब चलते हैं 9th पॉइंट। अब टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने मूव करवाया था तो जो फोर्स लगा था उसने एक वर्क किया था, नहीं है, उस फोर्स ने एक वर्क किया था और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वर्क से रिलेटेड जो मैं क्वांटिटी डिफाइन करूंगा उसको हम वी कह देंगे, बस ये कह देंगे। समझ में आई बात? टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाया था तो उस पे जो फोर्स लग रहा था उसने एक वर्क किया था और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने तुमसे कहा कि इससे रिलेटेड जो हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे वो क्या होगी, पोटेंशियल बनेगा, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। तो इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है या जूल पर कूलॉम होती है। और मैंने तुमसे कहा कि यूनिट को देख करके भी थोड़ा आइडिया निकाला करो कि ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे अगर मैं इस पे फोकस करूं तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये जो है ना कुछ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होनी चाहिए, नहीं है, ये क्वांटिटी क्या बननी चाहिए, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज बननी चाहिए, ये कह लोगे। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। नहीं, अब चलते हैं 10th पॉइंट। ये क्यू चार्ज है, इसका ऑरा क्रिएट हो गया, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। और इसमें मैंने दो क्वांटिटीज डिफाइन की, ई वेक्टर और वी। अब एक बात बताओ, ई वेक्टर और वी की वैल्यू जो होंगी वो डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स होंगी? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होंगी, यहाँ डिफरेंट होंगी, यहाँ डिफरेंट होंगी। और थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा होगा, नहीं है, कुछ इस टाइप का फील आ रहा होगा तुम्हें जो है। तो इसका मतलब ई और वी की जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होंगी बेटा, जो है अलग अलग आएंगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ई या वी दीज आर फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ पॉइंट।
पोजिशन ऑफ पॉइंट। समझ में आ गया बेटा? ये बताओ जो है कि ई या वी किसके फंक्शन होंगे? पोजिशन ऑफ पॉइंट के फंक्शन होंगे, ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं 11th पॉइंट। अब ये बताओ कि अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस हो तो उसमें पोजिशन ऑफ पॉइंट में तीन वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना, एक्स वाई और जेड, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो पोजिशन ऑफ पॉइंट होगा, पोजिशन ऑफ पॉइंट इसमें तीन वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, थ्री वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफोर ई या फिर वी दीज आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई और जेड, ये हो गया तीन वेरिएबल्स हो गए। ये बता बेटा कोई डाउट है तो बोल, कोई भी डाउट है तो बोल दे, और नहीं तो फिर जो है आगे चलते हैं। और क्या ये कह रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं सुन लो। हाँ वो तो जानते हैं कि मेरे को ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, है ना। मैं वो टीचर हूँ जो बस सिर्फ क्या करता हूँ बेटा जो है, हाँ बाकी सारी कहानी तो जानते ही ना, इसलिए जो है मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो एक बार दोबारा सुन लो, क्यू का एक ऑरा क्रिएट हो गया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, और उसके अलग अलग पॉइंट्स पे हमने दो क्वांटिटीज डिफाइन की, ई वेक्टर और वी, और उनकी वैल्यूज अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने कहा अलग अलग आएगी। इसका मतलब वो पोजिशन ऑफ पॉइंट का फंक्शन हो गए, और पोजीशन में ही तीन वेरिएबल आ जाएंगे क्योंकि अलग अलग जगह की पोजीशन के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इसका मतलब फाइनली ये हो गया कि ई या फिर वी तीन वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड के फंक्शन हो जाएंगे। 10th पॉइंट ये था। अब चलते हैं 11th पॉइंट, 12th पॉइंट सॉरी। अब फिजिक्स में क्या होता है कि हम नॉर्मली क्या होता है ना, वेरिएबल्स कम से कम रखते हैं बेटा जो है, नहीं है फिजिक्स में हम वेरिएबल्स कम से कम रखते हैं। इसका मतलब अगर मैं 1D की बात करूं या स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो फिर हमारा जो पोजीशन है वो केवल एक्स कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा, क्योंकि एक लाइन में मुझे केवल एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, और जरूरी नहीं कि वो एक्स ही हो, वो वाई भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ, नहीं बताओ जो है कि अगर मैं 1D की बात करूँ या स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, तो फिर हमारी पोजीशन में केवल एक कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाएगा, एक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई या फिर वी इट इज फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, ये कह रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है कि मैंने ई के ऊपर अब वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि 1D में क्या होता है, हाँ 1D में वेक्टर को हम प्लस और माइनस साइन से काम चला लेते हैं। और एक चीज और कि अगर ये ई प्लस में आता है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स हो गई, और अगर ये माइनस आता है तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव एक्स हो गई। कि मान लो इस वाली मेथड में अगर कहीं पे तुम्हारी ई की वैल्यू प्लस 10 न्यूटन पर कूलम आ रही है, ध्यान से देखना, इस वाली कंडीशन में अगर मान लो ई की वैल्यू कहीं पे प्लस 10 न्यूटन पर कूलम आ रही है, इसका मतलब
यूनिट टेस्ट चार्ज में 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर ई की वैल्यू मान लो -6 न्यूटन पर कूलम आ रही है, तो इसका मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज में 6 न्यूटन का फोर्स लगा है लेकिन किधर को, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ये इसका मीनिंग होगा। ये अब चलते हैं 13 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो,99% केसेस में हमारे जो सिस्टम बनते हैं वो या तो टेस्ट मास बनेगा या वो टेस्ट चार्ज बनेगा और या फिर वो स्फेरिकल बॉडी बनेगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि केवल एक वेरिएबल स्मॉल आर से हम पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं, फिर हमें तीन वेरिएबल नहीं लेने पड़ते। तो केवल इन केसेस में, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो है केवल ये वाले केसेस में कह रहा हूं मैं, केवल ये वाले केसेस में फ्रॉम ए सिंगल वेरिएबल स्मॉल आर, फ्रॉम ए सिंगल वेरिएबल आर होल स्पेस इज कवर्ड। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई ना कि हमारा वेरिएबल हमने एक ही लिया और पूरे का पूरा स्पेस कवर हो गया, लेकिन वो केवल तभी होगा जब पॉइंट मास हो, पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल बॉडी हो, केवल उस केस में आता है। अब बात आती है कि आर क्या चीज है। उस केस में जो आर होगा वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट मास या चार्ज। और अगर वो स्फेरिकल बॉडी है, अगर वो स्फेरिकल बॉडी है तो फिर वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाएगी, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इसमें फर्दर एक इंटरेस्टिंग बात आती है, फर्दर एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो या तो इनवर्ड्स आता है और या आउटवर्ड्स होता है। इनवर्ड्स का मतलब जैसे पॉइंट मास है बेटा जो है, तो पॉइंट मास की तरफ हो गया, और आउटवर्ड्स का मतलब बाहर हो गया, पॉइंट मास के बाहर हो गया। तो इन दीज केसेस ई की जो डायरेक्शन है वो या तो टूवर्ड्स आती है, टूवर्ड्स द पॉइंट मास, ध्यान रखना बेटा जो है, और या फिर अवे आती है। अगर वो टूवर्ड्स आती है तो ई फिर नेगेटिव आएगा, और अगर वो अवे आती है तो फिर ई की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव आएगी, डायरेक्शन मतलब, ध्यान रखना बेटा जो है। अच्छा, पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वहां पे कुछ भी नहीं है। मेन हमें प्रॉब्लम आती है ई में आती है, बस ये। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, वैसे बाद में सारे मैं रिपीट करूंगा एक बार सारे के सारे पॉइंट। अब चलते हैं 14 पॉइंट।
अब एक वर्ड आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहली बात तो ये तब आता है जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो, मोर देन वन वेरिएबल्स। मान लो जेड एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स एक्स और वाई का, और मुझे जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहली बात तो मैं उसको कहूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दूंगा लेकिन बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हुए, और इसी टाइप से अगर मुझे वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो मैं नॉर्मल वाई के रिस्पेक्ट में कर दूंगा लेकिन बाकी जो वेरिएबल्स रह जाएंगे उनको क्या एज्यूम करते हुए, कांस्टेंट एज्यूम करते हुए, बस ये कह देते। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर कोई जेड दो वेरिएबल्स एक्स और वाई का फंक्शन है और मुझे उसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो मैं नॉर्मल एक्स के रेस्पेक्ट में कर दूंगा लेकिन जो बाकी वेरिएबल्स होंगे उनको कांस्टेंट मानते हुए, और उसी टाइप से अगर मुझे वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो फिर मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दूंगा लेकिन बाकी को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए। जैसे एग्जांपल देखो कि अगर मान लो जेड की वैल्यू 4x² y³ है और मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहली बात तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब तुम केवल x² का डिफरेंशिएशन कर दो, बस हो गया, x² का 2x हो गया और बाकी सब कांस्टेंट हो गए, 4y³ आ गया, ये कह लो। और इसी टाइप से अगर मुझे मान लो डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है तो अब के मैं सिर्फ y³ को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो फिर ये 3y² बन जाएगा लेकिन बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये 4x² हो जाएगा, ये कह रहे। तो मेरे ख्याल से पार्शियल डिफरेंशिएशन भी समझ में आ गया होगा, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है उसके रेस्पेक्ट में नॉर्मल कर दो और बाकी को क्या मान लो बेटा, जो है कांस्टेंट मान लो। अब चलते हैं 15 पॉइंट पे। अगर कोई भी मोशन हो वो मोशन 1D हो, 2D हो, 3D हो, कुछ भी हो, अब वैसे देखा जाए तो उसमें तो कई सारी इक्वेशंस बनती हैं, अगर तुम देखोगे तो उसमें कई सारी इक्वेशंस बनती हैं, लेकिन मेनली तीन इक्वेशंस तो डेफिनेट है कि तीन इक्वेशंस जरूर होती हैं, ST, VT और AT, क्यों? लेकिन ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है बेटा, जो है ये दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, या तो वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होती है और या फिर वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होती है, क्यों नहीं है? या वो डिफरेंशिएशन रिलेटेड होती है या फिर वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड होती है, ये कह लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ST को VT में कन्वर्ट करना है और VT को मुझे AT में कन्वर्ट करना है तो तुम जानते होगे डिफरेंशिएशन करते हैं हम, और अगर उल्टा ऑर्डर लेना है AT को VT में कन्वर्ट करना है और VT को फिर ST में कन्वर्ट करना है तो फिर इंटीग्रेशन लेते हैं। सिमिलरली
अगर कोई क्यू चार्ज है तो 10 बार बताऊंगा, उसका एक ऑरा क्रिएट हुआ, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। उसमें दो क्वांटिटीज हमने डिफाइन की, ई या वी, और ये ई या वी या तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होंगे या फंक्शन ऑफ केवल एक्स होगा और या फिर फंक्शन ऑफ केवल आर होगा, नहीं हो तो फंक्शन ऑफ केवल आर होगा, लेकिन ये दोनों फंक्शंस भी आपस में रिलेटेड होते हैं बेटा, ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होते हैं, अगेन या तो डिफरेंशिएशन से या फिर इंटीग्रेशन से। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा और अगला भी लेक्चर का कुछ पार्ट, वो ई और वी के रिलेशन पे ही बेस्ड होगा, समझ गए ना, ई और वी का आपस में क्या रिलेशन है। एक फंक्शन दिया है तो दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है तो पहले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस पे फोकस रहेगा, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 16 पॉइंट। अब डिफरेंशिएशन, इसमें तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, क्यों, इसमें तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तुम्हें सीधे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा बेटा। लेकिन इंटीग्रेशन में तुम जानते होगे ये इतना डायरेक्ट नहीं होता, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, क्यों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी आ जाता है, अब बात आती कि तुम सी कैसे निकालते हो, जो तुम नया फंक्शन निकालने जा रहे हो इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आएगा उसकी तुम्हें वैल्यू किसी, मतलब कहीं पे आपको वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन जो भी तुमने फिजिकल क्वांटिटी निकाली है, फिजिकल क्वांटिटी जो भी तुमने फाइंड की है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू एट सम पॉइंट, शुड बी नोन, तब तुम्हें सी पता चलता है। नहीं तो एक तरीके से तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा, अगर तुम देखोगे तो एक तरीके से तुम्हारा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन में तुम्हें सीधे रिजल्ट निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन में लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। और वो मैंने तुमसे कहा कि वो कैसे निकालते हैं, कि इंटीग्रेशन के बाद जो भी फंक्शन बना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, उसकी वैल्यू तुम्हें कहीं पे पता होनी चाहिए, तब तुम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा, जैसे मान लो v मैंने दिया हुआ है, कुछ भी कह लो, 3t² दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये t³ बनेगा, और प्लस एक c आ गया, क्यों, अब इंटीग्रेशन के बाद मुझे s पता चला था बेटा जी, एट डिफरेंट टाइम्स t, तो मैंने मान लो एक लिमिट दे रखी है, उसको जो वैल्यू दी होती है उसको हम कई बार लिमिट भी कहते हैं, मान लो एक लिमिट तुम्हें दे रखी है, लिमिट गिवन,
कि मैंने तुमसे ये कहा कि t इक्वल टू जीरो पे मान लो s की वैल्यू 10 है, ये मान लो दे रखा है, तो तुम इस इक्वेशन में जब रखोगे t को जीरो रखोगे, s को 10 रखोगे, तो तुम्हें c की वैल्यू 10 दिख रही होगी, नहीं है, c की वैल्यू तुम्हें 10 दिख रही होगी, तो इसका मतलब इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा जो है, देयरफोर s इक्वल टू क्या हो गया t क्यूब प्लस 10 आ गया, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी तुम्हें समझ में आ गया हो। अब चलते हैं 16 पॉइंट में। मान लो ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z है, अब तो कुछ है तू 17, ठीक, मान लो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होता है r, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं ना हम लोग, नहीं होता तो इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लेते हैं, तो कई बार हम इसको ना डी आर वेक्टर या कभी कभी डी एस वेक्टर भी लिखते हैं, उसको हम ये लिख लेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे भी लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना, मतलब ये एक स्टैंडर्ड वेक्टर है, ध्यान रखना बेटा, इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं, दिस इज ए स्टैंडर्ड वेक्टर। तो इतने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, अब हम फिर वी को ई में कन्वर्ट करेंगे आज के लेक्चर में। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो, पूरे फिजिक्स में हम लोग तीन फील्ड पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मास से प्रोड्यूस होगा या सिस्टम ऑफ मास से, और वो उसका एक ऑरा हो गया जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से एक्सटेंड कर जाएगा, एकदम से बन जाएगा, लेकिन वो इनविजिबल होगा। उसको अगर तुम्हें फील करना है तो तुम्हें किसी टेस्ट मास को लेके आना पड़ेगा, उस टेस्ट मास में ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगेगा, उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी होगी उसको हम ई कहेंगे, और जब मैं उसको इधर उधर मूव करूंगा तो फिर वही फोर्स एक वर्क करेगा जिसको हम लोग पोटेंशियल कहेंगे, ये जिसको हम लोग पोटेंशियल कहेंगे। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस से प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड करंट या फिर सिस्टम ऑफ करंट से प्रोड्यूस होगा। और मैंने आपसे कहा ऑरा हो गया, मतलब एक तरीके से मास का ऑरा ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज का ऑरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और करंट का ऑरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद जो फोर्स लग रहा था वो क्वांटिटी ई थी, और जो वो फोर्स वर्क कर रहा था वो क्वांटिटी वी थी, और ई और वी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, या तो डिफरेंशिएशन से और या फिर इंटीग्रेशन से। डिफरेंशिएशन सीधे होता है, इंटीग्रेशन में सी आता है, और उस सी को निकालने के लिए फिर हमें कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए जिसको हम लिमिट कहते हैं। और एक चीज और, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो फिर वहां पे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और मैंने एक चीज तुम्हें और समझाई थी कि ई या फिर वी या तो एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे, अगर 1D में है तो एक्स से चल जाएगा, और अगर पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल बॉडी है तो एक छोटे से आर से पूरा स्पेस कवर हो जाता है। इतने पॉइंट हमने पढ़े हैं पूरे, ये कह ले। तो अब हम चल रहे हैं V को E में कैसे कन्वर्ट करते हैं। V का कन्वर्जन E में पढ़ रहे हैं,
सबसे पहली बात डिफरेंशिएशन होगा इसमें, दूसरी बात अगर डिफरेंशिएशन है तो हमें सीधे रिजल्ट मिलेगा, डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ किसका, लेकिन ये ई का रिजल्ट मिलेगा। तीसरा, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो फिर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा, नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल्स, तो इसमें हमें करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सीधे फॉर्मूले की लिस्ट बस हो गया। पहला, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब फॉर्मूला क्या होगा, सुनो, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, आई कैप प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई, जे कैप प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड, के कैप, ये बनता है। और अगर केवल एक ही वेरिएबल हो तो फिर सीधे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा जो बनेगा वो या तो बनेगा ई इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, और यह बनेगा माइनस डी बी अपॉन डी आर, और इनको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ, क्यों, स्लोप ऑफ वी एक्स या वी आर ग्राफ्स हो गए, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैंने तुम्हें और बताई थी कि अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और इसमें e की वैल्यू प्लस आती है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन आ गई, और अगर मान लो इसमें e की वैल्यू माइनस आती है तो इसका मतलब टूवर्ड्स हो गया, समझ गए ना, इसका मतलब टूवर्ड्स हो गया, और अगर प्लस हो गई तो अवे हो गया, बस ये कह लो जो है इतना हो गया, बस इतने से हमारा काम चल जाए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, Q एक चार्ज है, इसका ऑरा है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में E और V डिफाइन है, क्यों E और V डिफाइंड होते हैं, तो मैंने V की वैल्यू दे रखी है तुम्हें एक्स वाई प्लेन में, और मान लो v दे रखा है सीधे सीधे एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ, बस हो गया, तो तुम्हें e वेक्टर निकालना है 1,2 पे कितना होगा, तो फॉर्मूला लिख लेता हूं, बस हो गया। e का फॉर्मूला मैंने क्या किया था, E का फॉर्मूला लिखा था माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, की कैप इसलिए नहीं ले रहा हूं बिकॉज जेड है ही नहीं उसमें, नहीं है जेड है ही नहीं,
अब मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालता तो मुझे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, इसको ध्यान रखना, केवल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो 2xy आ जाता। और अगर मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता तो सिर्फ x स्क्वायर रह जाता। क्यों सिर्फ x स्क्वायर रह जाता? x स्क्वायर, इसका मतलब e का जो फॉर्मूला बना वो बना माइनस ऑफ, आज भी तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी छुट्टी बेटा, इसका मतलब e की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, ये आ जाएगा। हाँ थोड़ा तो जानता ही है। अब तुम्हें x को 1 और y को 2 रखना है बस, क्यों नहीं है तुम्हें कहां पे निकालना था बेटा, 1 और 2 पे रखना था, तो इसका मतलब x को 1 रख दोगे, x को 1 और y को 2 रख दोगे तो इसका मतलब e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जो है e की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2 माइनस 4 i कैप माइनस j कैप, इतना हो गया। और इसकी यूनिट मैंने बताई थी या तो न्यूटन पर कूलम होगी या फिर वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगी ऐसे, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले एग्जांपल में। फिर से वही लिखूंगा ताकि तुम्हें पूरा दिमाग में बैठ जाए बेटा, जो है ओके। बस दो तीन एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। एक क्यू चार्ज दिया हुआ है, उसका ऑरा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब दो चीजें डिफाइंड है उसके लिए, ई और वी। और वी अलोंग एक्स एक्सिस, along x axis तुम्हें दिया हुआ है v equal to 4x square। और अब के सिंस वो वन डायमेंशनल है तो फिर मैं वेक्टर वगैरह नहीं लगाऊंगा, तुम्हें e की वैल्यू निकालनी है at x equal to 2। तो इसके लिए मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है वो माइनस ऑफ डीवी अपॉन डीएक्स दिया हुआ है। तो अगर मैं डीवी अपॉन डीएक्स करूं और उसको माइनस कर दूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि वो माइनस ऑफ 8x आ जाएगा, नहीं है? अगर तुम देखोगे तो माइनस ऑफ 8x आ जाएगा। और x इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड करना था, क्यों एट x इक्वल टू 2 फाइंड करना था, तो e की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 16 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी या फिर वोल्ट पर मीटर आ जाएगी, ये क्या? और माइनस का मतलब मैंने बताया था, माइनस का मतलब होता है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 पे ई की वैल्यू 16 है लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। या मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैंने एक्स इक्वल टू 2 पे यूनिट टेस्ट चार्ज को रखा, नहीं यूनिट पॉजिटिव वर्ड भी और लगा दे रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा तो उस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लगेगा,
इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। इसका मतलब x इक्वल टू टू पे e की वैल्यू 16 न्यूटन पर कूलम है और वो नेगेटिव x डायरेक्शन में, और उसका मीनिंग क्या है बेटा जो है कि x इक्वल टू टू पे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूं तो उस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो किधर को लगेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस लगेगा। ये एक और एग्जांपल देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां से आर डिस्टेंस पे वी का फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस के क्यू अपॉन आर, ये गिवन है मान लो। तो तुम्हें ई निकालना है, तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर दिया है और वी हमारा ये दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा, वी ये दिया हुआ है। अब इतना तुम लोग होमवर्क करना कि डीवी अपॉन डीआर निकालना, डीवी अपॉन डीआर निकालना और उसको माइनस कर देना, डीबी अपॉन डी आर को निकाल के माइनस कर देना, तो तुम देखना यहां पे जो ई की वैल्यू आएगी वो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगी, जो वी का एक्सप्रेशन मैंने दिया हुआ है उसको डीबी अपॉन डी आर करना और उसको माइनस कर देना, तो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। लेकिन इस केस में मैंने तुम्हें बताया था ये जो माइनस साइन आता है ये टूवर्ड्स के लिए यूज होता है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज आया होता तो अवे होता। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी बेटा, ये होगी, बस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं लास्ट एग्जांपल, फोर्थ। एक क्यू चार्ज है, इसका अपना एक ऑरा है, इस ऑरा को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग जगह पे दो क्वांटिटीज डिफाइंड है, E और V। अब इस V को along X axis तुम्हें V X ग्राफ दिया हुआ है, अभी दूंगा मैं, ग्राफ गिवन है, तो तुम्हें EX ग्राफ प्लॉट करना होगा। कैपिटल Q का अपना एक ऑरा है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग पॉइंट्स पे दो क्वांटिटीज डिफाइन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और V, और V अलोंग X एक्सिस तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है, तो तुम्हें EX ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे ये है, देखो ये तुम्हें V दिया हुआ है वोल्ट में या जूल पर कूलम भी इसकी यूनिट बताई थी मैंने, और इधर दिया हुआ है X मीटर में और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। टू मान लो 6, 10 और 12, ये -4, ये +8 और तुम्हें EX ग्राफ ड्रॉ करना है क्या होगा।
अब तुम्हें इस पूरी लाइन का स्लोप प्लस में दिख रहा होगा, और बाय द वे स्लोप कितना होता है, ये अपॉन ये हो जाएगा, क्यों ये हो जाएगा, तो 8/4, इसका मतलब 2 आ गया। और अभी मैंने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला दिया था, E इक्वल टू माइनस स्लोप, तो ये -2 हो गया। उसके बाद इस लाइन का स्लोप तुम्हें 0 दिख रहा होगा, इसका मतलब E0 आ गया। उसके बाद इस लाइन का स्लोप तुम्हें नेगेटिव दिख रहा होगा, और वो स्लोप कैसे ड्रॉ करोगे, ये अपॉन ये, तो 4/2, इसका मतलब -4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस ऑफ स्लोप होता है, तो ये +4 आ गया। अभी यूनिट्स अभी नहीं लगाई है, तो इस टाइप से कुछ बन गया। अब इसका मैं ड्रॉ कर देता हूं ई एक्स ग्राफ। पहली बात तो मैंने तुम्हें बताई, ई की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर होगी, और ये एक्स तुम्हें दिया हुआ मीटर में। अब देखो ये पूरे का पूरा, इसका मतलब 0 से लेके 6 तक इलेक्ट्रिक फील्ड -2 था, 0 से लेके 6 तक इलेक्ट्रिक फील्ड -2 था, तो ये था। उसके बाद ये वाली लाइन, इसका मतलब 6 से लेके 10 तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और लास्ट में ये वाली लाइन, इसका मतलब 10 से लेके 12 तक इलेक्ट्रिक फील्ड +12 था, +4 था, तो ये हो गया। +4 आ गया ये क्या। और लास्ट में एक पॉइंट, 0 से लेके 6 तक इलेक्ट्रिक फील्ड -2 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, या कह लो 0 से लेके 6 तक अगर तुम किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखोगे तो उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। और अगर आप 6 से लेके 10 तक किसी चार्ज को रखोगे तो उस पर 0 फोर्स लगेगा, और लास्ट में अगर 10 से लेके 12 तक देखोगे, अगर आप 10 से लेके 12 तक देखोगे तो E की वैल्यू +4 है, इसका मतलब 4 न्यूटन पर कूलम है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। या फिर कह सकते हो कि अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और वो किधर को लगेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लगेगा ये कह। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू एंड